अरे गांव वालों बाहर आओ, कहाँ हो? हेलो, कोई है? इतना सन्नाटा क्यों है? हेलो, अरे अरे पागल हो गई हो क्या जो आते ही इतना चिल्लाना शुरू कर दिया? दिमाग चल गया तुम्हारा? नहीं, दिमाग तो आपका चल जाएगा जब आपको पता चलेगा मेरे कारनामे के बारे में। क्या आप क्या करके आई है? लात मार के आई हूँ। बात समझाया, हाथ पाँव न चलाया करो। वो मैला मेरे रिश्ते के लिए। अभी वो गलियों में बाइकें घुमाता रहता है और मैंने उसको एक दफा गली में सिगरेट पीते भी देखा था, कोने में छुपके। अच्छा चलो चले वापस। क्या हो गया रोमी? अभी वो उस निकम्मे के लिए मेरा रिश्ता मांगने रहता है। मैं जरा तबीयत तो साफ करके आऊं ना। रुको, तुम क्या कर रही हो? लिपस्टिक का निशान ढूंढ रही हूँ। क्या? दो कप पड़े हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि यहाँ पे कोई आया था या आई थी जिसके लिए अब्बू ने चाय बनाई है, और अगर अम्मी इस पे हल्का सा भी लिपस्टिक का निशान मिल गया ना, इसका मतलब है आपका टाइम आ गया सामान पैक करके इस घर से जाने का। किसको मौत आ गई सुबह सुबह? मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं समन, हमजा की मदर। जी जी आंटी, कैसी हैं आप? कह दे ये झूठ है। अब क्या हो गया? कह दे ये झूठ है, कह दे ये चॉकलेट नहीं पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल है ना भाई? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये चॉकलेट है या पाइनएप्पल? यार मुझे तो दिखाई दे रहा है ना। अब सर पकड़ कर क्यों खड़ी हो? भंड हो गया, भंड समझती नहीं है। क्या हौल फौल बोलती रहती हो रूमी, मुझे समझ नहीं आती इस लड़की की बातें। मुंह दिखाई तो ली नहीं। चलो आ जाओ, शाबाश। तुम्हारे भी इतने अरमान होंगे ना मुंह दिखाई के, मुंह उठाने के। कुछ स्पीच तैयार किया तुमने? चलो आ जाओ, रेडी? हाँ चल। पहले घूंघट उठाते हैं, फिर मुंह दिखाई देते हैं। हाँ फिर से करेंगे। चले रेडी? मुंह दिखाई। हेलो इधर इधर। बिल्ली मारे? क्या? वो कहते हैं ना, शुरू से ही ऊपर से आओ तो दबके रहती है। ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ट्राई भी मत करना। हाँ चलो पहना पहना पहना। चलो चलो शुक्र है फाइनली किसी को तो मेरा ख्याल आया कि मेरा भी दिल का हाल पूछ ले। सबको बस अपने नए दामाद हमजा की लगी हुई है, सब उसकी खिदमत में मसरूफ है। हुआ क्या है शूमी? हमजा ने कुछ? हाँ हमजा ने। मैं तुम बताती हूँ, देखो एक सेकंड। सुबह ना सुबह मतलब सुबह के 10 बजे को, ठीक है ना, मैंने ना इतना सा पर्दा खोला, हाँ इतना सा, उसके मुंह पे हल्की सी रोशनी पड़ गई एकदम से। नहीं नहीं पर्दा नहीं खोलना। क्या यार पर्दा ही खोला? मेरी तो जान ही निकल गई कि पर्दे के पीछे क्या है, जिन है क्या है, कौन है, कोई करता है ऐसे? मैं तुम साफ साफ बोलो ना, तुम हुआ क्या है? साफ साफ बोल रही हूँ, यही तो हुआ है, ये हुआ है। देखो ये ना मेरी जिंदगी का पहला हनीमून है, मैं तो घंटे के हिसाब से कपड़े चेंज करूंगी, नई जगह नए कपड़े, ठीक ना? अब घंटों के हिसाब तुम खुद लगा लो। हाँ सोई नहीं अभी तक। जेट लैग का नाम सुना? हाँ सुना है, लेकिन जेट लैग तो बहुत लॉन्ग फ्लाइट्स के बाद नहीं होता। तुम तो भी। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे जेट लैग हो रहा है? मैं तो तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें पता भी है कि नहीं, और तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब सो जाओ। $11:30 हो गए, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने सोचा जेट लैग उतर जा। सुनो हम यहाँ पे सोने नहीं आए हैं। अच्छा अगर यही करना था तो हम घर पे रहते, हमारे घर का कमरा ज्यादा बड़ा भी और अच्छा भी। हाँ लेकिन मैं सोते हुए कॉफी नहीं पीता ना। टॉन्ट कर रहे हो मुझे? पछताओगे बता रही हूँ मैं। अच्छा मैं तैयार होकर आ रही हूँ, उठो तुम भी, उठो बस, मुझे लेके जाओ बाहर। टाइम पे लेने आ जाना। अच्छा ओके ओके पक्का? 100%। लेट नहीं होना। हाँ हेलो एक सेकंड, क्या मसला है? जी भर गया है देखने से या घर लेके जाना है? एक्सक्यूज मी क्या एक्सक्यूज मी? अभी कोई और लड़का तुम ऐसे देख रहा होता तो अंदर की फैमिली से जान लगती तुम्हारी। अभी ताड़ी हो तुम, मेरे शोर से ताड़ी। क्या बकवास है? क्या बकवास है? बहुत ही कोने में कुछ ही बोलने वाली। हाँ क्या हुआ? क्या बकवास है? क्या हुआ? क्या बकवास है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बस तुम नजर उतारने के लिए हो ना तुम। Sorry. मैं भी कहूँ कि यार लड़का इतना फिट कैसे है? मतलब abs डोले शोले हैं, हैंडसम। स्टड कह रहे हो? तुम भी तारीफ कर सकते हो मेरी। ना करो कंजूस। शहर का सबसे बेस्ट साइकाइट्रिस्ट कौन है? क्यों? अपॉइंटमेंट लेनी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम शायद तुम्हें है। मैं समझाती हूँ। देखो, मुझे लगता है कि तुम एक नहीं दो हमज़ा हो, अलग अलग। मुझे ना लगता है कि तुम्हें डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। देखो, जब तुम मेरे घर पे जाते हो ना, सदीकी साहब के साथ बैठते हो, तब तुम बिल्कुल ठीक, नॉर्मल, हंसी मजाक, चिल्ड आउट, ये वो ब्ला ब्ला, सब ठीक होता है। लेकिन जब तुम अपने घर पे होते हो तो तुम हंसना तो दूर की बात, मुस्कुराते तक नहीं हो और बिल्कुल अजीब ऑफ बैठे रहते हो। तो या तो वो हमजा गलत है या ये या मैं गलत हूँ। मतलब पता तो करे ना इंसान के मतलब क्या है। मतलब यार, शो ऑफ करना तो बनता है ना। अब इतना हैंडसम शौहर है मेरा, हाँ, सारी टीचर्स देखकर जल के राख हो जाएंगी कि हाय अल्लाह, ये हमें क्यों नहीं मिल गया। और सारे मेल टीचर्स एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। अब तो मुझे बताओ, अगर ऐसे में मैं ड्राइवर के साथ चली जाती तो सारा मकसद फौत नहीं हो जाता है? डेफिनेटली फौत हो जाता मकसद। नहीं तो मैं कह रही हूँ। अच्छा बताओ, रास्ता क्या है? क्या रास्ता? एक सेकेंड, आप उस जगह का रास्ता भूल गए हैं जहाँ पे मुझे पहली दफा देखते ही आप अपना दिल हार बैठे थे। मॉन्टेसरी का रास्ता तो आपको आंख बंद करके याद होना चाहिए ना। हाँ, याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या है, मेरी याददाश्त रास्तों के मामले में थोड़ी कमजोर है, भूल जाता। अच्छा, अपना रास्ता अपनी याददाश्त में अच्छी तरीके से बिठा लो, भूलने की गुंजाइश नहीं है। I can tell. आगे से राइट लीजिए। हेलो। हेलो। अच्छा, अब मुझे तुम फोन करो और मुझे बताओ कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, ठीक है? ओके बाय। I miss you. क्या? फिर से बोलो। I said I miss you. Hi, I miss you too. चलो अब तंग नहीं करो, मुझे बहुत काम है, ठीक है? ओके बाय। यार मतलब देखो, तुम जब रोज उठ के सुबह तैयार होगे तो मुझे भी तुम्हें देख के अच्छा लगेगा। फिर जब महीने के एंड पे तुम अपनी तनख्वाह मेरे हाथ में लाके रखोगे तो उसका तो मजा ही कुछ और है ना, समझ रहे हो? नहीं, टेंशन मत लो, अपनी पॉकेट मनी निकाल के बाकी सारी वापस दे दूंगी तुम्हें, ठीक है ना? गुड। पहला दिन तो ऑफिस का, इतना थक गया मैं। बार बार फोन को देख रहा था, अब फोन करोगी तब फोन करोगी, फोन ही नहीं किया। मीटिंग्स के दौरान भी देखा था मैंने फोन को, तुमने एक भी फोन नहीं किया। सड़कों पे घूमता रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से मैं, जब से हिम्मत आ गया तो घर आ गया। खाना रखा हुआ है, रजा को कॉल लगा दे। रजा से? रजा रोज देता है खाना मुझे, पहला दिन काम पे गया हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारा सर फाड़ देना मैंने। इतने घंटे लगा के मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है गर्मी में, किचन में 4 मुख्तलिफ डिशेस बनाई थी मैंने, और एक स्वीट डिश भी अलग से थी। तुम मुझे इधर देखो, तुम मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी? हाँ, उधर क्या देख रहे हो? मुझे देखो, मैं बात कर रही हूँ ना, दे रहा हूँ ना, क्या बता रहा हूँ, क्या क्या इधर आओ, मैं बात कर रही हूँ। चलो, ये क्या है? मार लो, फट जाएगा सर। क्या लो? नहीं छोड़ो यार, थोड़ा लड़ने का मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई नेकी जरूर की होगी जिसका अजर मुझे अब मिल रहा है। कैसा अजर? ऐसा अजर। सोच लो, गुनाहों की सजा भी हो सकती है। नहीं हो सकती, इतनी हसीन थोड़ी होती है सजा, और अगर होती भी है तो कम से कम फिर उम्र भर तो चलनी चाहिए। अच्छा, कहीं थक तो नहीं जाओगे? मैंने क्यों, तुम जब साथ होती हो मैं थकता नहीं। क्या हो गया, इतना प्यार क्यों आ रहा है आज? क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं जाता। समझ गई माँ, समझ गई कि इतना प्यार क्यों आ रहा है आज। क्या समझ गए? शॉपिंग ज्यादा कर ली ना मैंने, खर्चा करा दिया ज्यादा। बस प्रॉमिस, अब मैं कोई खर्चा नहीं कराऊंगी भाई, खुद कमाती हूँ, क्या हो गया, खुद ले सकती हूँ मैं अपने लिए चीजें। नहीं यार, तुम एक आवाज तो देते मुझे, अकेले ही भिड़ पड़े। सुनो, अब तुम सोलो नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, 50-50, समझे? और अगर ऐसा है तो आवाज देने की क्या जरूरत थी, खुद आ जाती। ऐसे कैसे खुद आ जाती? भाई किसी की लड़ाई में घुसने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना, फिर तुम मुझसे लड़ते आके। वैसे यार, तुम अगर मुझे आवाज दे देते ना, एक दफा रूमी कहकर पुकार लेते ना। ऐसा स्लो मोशन में आना था मैंने, तुम्हारी सोच है। उसकी खुशकिस्मती है कि मैं नहीं आई, वरना अपने पैरों पे वापस नहीं जाना था उसने। हो गया, अच्छी है ना? यहाँ पे तो मेरी पिक्चर थी। हाँ, पता है मुझे, वो ना मैंने उतार के स्टोर में रखवा दी। अब मैं वजह जान सकता हूँ? वजह साफ है, अब ये कमरा सिर्फ आपका नहीं है, हम दोनों का। पहला वजह चौतराहट मचाई थी। अगर हम दोनों का है तो कोई ऐसी पिक्चर लगाती ना जिसमें हम दोनों थे। ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे? हिसाब तो पूरा करना है ना। हाँ, अब तुम्हें भी वो फील हो जो मुझे फील हुआ है रोज सुबह उठ के तुम्हारी शक्ल देख के। तुम भी रोज सुबह उठो, मेरी इतनी बड़ी तस्वीर देखो। हाँ, फिर मैं सोचूंगी कि हमारी तस्वीर लगानी है या ये ठीक है। मैं इसको क्यों देखूंगा? मैं तो तुम्हें देखूंगा ना। बहुत क्यूट बातें करता हूँ मैं, बहुत क्यूट। चलो जाओ, चेंज कर लो। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।